हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है। इसमें मैंने ब्लाउज में जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें बहुत सारा सीक्रेट मेजरमेंट होता है, किसी भी ब्लाउज में, चाहे प्रिंसेस कट हो चाहे बेल ब्लाउज हो, सभी में ये बहुत फिट आता है। तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हमारे चैनल में मैंने जैसे कि वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली एक मेजरमेंट आप लोगों को सिखाया है, तो चलिए आज उसके ऊपर डिस्कस करूँगा और कुछ सीक्रेट मेजरमेंट भी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात है, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप कोई भी ब्लाउज करें तो उसका एक यहाँ से यहाँ तक एक मेजरमेंट होता है। इसके मतलब है हमारा अगर डबल कटोरी आप लोग बोलेंगे तो डबल कटोरी में इस जगह में एक मेजरमेंट होता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। तो ये हमारा जैसे कि डबल कटोरी बोलेंगे तो जो बाटी का हाइट होता है और नीचे होता है जो पॉटल पार्ट होता है, पॉटल पार्ट का हाइट, तो एक ही साथ इसमें पता चल जाता है हमारा एज कितना दूरी तक कटिंग होता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं सर इस जगह में जो हमारा एज और जो बाटी पार्ट का जो जुड़ा हुआ जो जगह में वो थोड़ा सा नीचे चाहते हैं, बहुत कस्टमर है, किस तरीके से करें। तो इसकी वजह ये है। और भी आप वीडियो को देखते रहिए, और भी एक सीक्रेट मेजरमेंट बता दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले हाँ ये ए सर जो बॉडी पार्ट का जुड़ा हुआ जो जगह है वो सही जगह क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम वर्टिकली एक मेजरमेंट लेंगे। इसमें हमारा एस पार्ट प्रिंसेस कट में अगर बोलेंगे वो डार्ट वाला जो हिस्सा होता है वो किस तरीके से काम करता है, आप लोगों को ये मेजरमेंट से आसानी से पता चल जाएगा। बेल्ट जो कट होता है, यानी कि जो बेल्ट ब्लाउज होता है उसमें भी, प्लेन ब्लाउज सभी में इस तरह का स्टाइल काम आता है। फ्रंट पार्ट में एक मेजरमेंट होता है, इसमें दो पार्ट होता है, बहुत जगह में सिंगल पार्ट भी होता है और एक मेजर होता है। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, इस जगह में हमेशा आप लोगों को अगर हाई नेक वगैरह डीप नेक करनी है दोनों अलग टाइप से आप लोगों को करना है। अगर डीप नेक करें तो पूट जैसा है उसी हिसाब से करें, हाई नेक करें तो इसका मिडिल से करें, और ये दोनों का मिडिल से आप लोग इस जगह में करें। और एक मेजरमेंट है फ्रेंड जो इस जगह में हम लोगों को एक मेजरमेंट चाहिए, और हमेशा ऐसी जगह होता है, बहुत डिजाइन ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को अलग मेजरमेंट लेना पड़ता है, यानी कि हमारा फ्रंट पार्ट अलग है और उसके बाद जो बैक पार्ट होता है बैक पार्ट अलग से मेजरमेंट लेना पड़ता है। बहुत जगह होता है, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता मगर आप लोगों को पता चलेगा कुछ डिजाइन ऐसा होता है उसमें इसी तरह मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ फ्रेंड आप लोगों को पता चले जी हाँ इस तरह का भी एक मेजरमेंट होता है। तो उसमें फ्रंट पार्ट जितना होता है उसको हाफ डिवाइड करें, हाफ डिवाइड करने के बाद इसी तरह करेंगे तो इस जगह में दो मेजरमेंट आप लोगों को नजर आएगा। एक है फ्रेंड हमारा जो डबल कटर में जो एस पार्ट का जो अलग वाला हिस्सा होता है, और दूसरी बात होता है जो हमारा बाटी बोलिए पॉटल बोलिए उसका लेंथ होता है कितना, वो हमें पता चल जाता है। ओके, और प्रिंसेस कट का भी वो सेम तरीका है, प्रिंसेस कट बोलिए एलिट कट प्लेन कट सभी में ये मेजरमेंट बहुत आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को जो नॉर्मल बस किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं वो तरीका आप लोगों को सीखा है। अगर ये तरीका आप लोगों को नहीं आता है फ्रेंड आप लोग ब्लाउज नहीं कर पाएंगे, ब्लाउज मत सिर्फ नहीं है जितना भी ड्रेस आप नहीं कर पाएंगे। और एक मेजरमेंट है फ्रेंड आप लोगों को पता नहीं है शायद, तो इसमें हम लोग जो हाई बस्ट लेते हैं ना और उसके बाद जो नॉर्मल बस्ट लेते हैं ये दोनों का मिडिल में एक हिस्सा होता है, जो मिडिल मेजरमेंट एक होता है ये है, जैसे कि बहुत ही सीक्रेट मैंने कभी इसके बारे में नहीं बताया आप लोगों को। तो हम लोगों को नॉर्मल बस्ट हाई बस्ट आप लोगों को मालूम है, मगर उसके ऊपर एक अपर नॉर्मल बस्ट एक होता है तो वो आप लोगों को जानना है, इसी तरह लेते हैं। तो फ्रेंड इसकी मतलब है, अब ध्यान से इस जगह को सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इस जगह में क्या है, बहुत लोगों को जैसे कि ये बास्ट वाला हिस्सा और जैसे कि क्रॉस पॉइंट देखा जाए बहुत लोगों को थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसमें क्या होता है जैसे कि ये हाई बस्ट और हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट इसके बीच में बहुत सारा अगर ज़्यादा गैपिंग हो तो भी इस जगह में चेंज होता है। आप लोग देखते हैं, मैंने अभी आप लोगों को दिखा दूंगा जो किस तरीके से प्रिंसेस कट में इस जगह में हम लोग वैरी करते हैं। बहुत लोगों को प्रिंसेस कट करने में दिक्कत होता है, और जैसे कि हाई नेक बोलिए प्लेन कट बोलिए, तो इस जगह का मेजरमेंट आप किसी कस्टमर के रख लीजिए, इसमें बहुत सारा फायदा होगा आप लोगों को, बास्ट के जैसे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये एक मेजरमेंट है, और ये एक मेजरमेंट है हमारा जो नॉर्मल बास्ट इसके नीचे जो लोअर बास्ट है और इसके ऊपर, यानी कि इस जगह से और इस जगह और इसका बीच में भी और एक मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को डबल कटर में जो पॉटल पार्ट होता है, मगर ये जरूरी नहीं होता है। अगर
आप लोगों को जैसे मैं वीडियो बता रहा हूँ इसके एक फॉर्मूला भी होता है, आप लोग इस जैकेट को जैसे कि नॉर्मल बस हाई बस जो हो उसके 1 इंच ऊपर जो आपकी जो नॉर्मल बस है उसके 1 इंच कम इस जगह में होता है और वही तरीका इस जगह में यूज होता है, मगर कभी कभी ये चेंज होता है, तो इसलिए ये मेजरमेंट का जो जगह है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, तो बस यही बताना है। और चलिए प्रिंसेस कट में बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को इस जगह में कितना शेप देनी है वो दिक्कत होता है, मगर वो तय होता है इस जगह के ऊपर, इस जगह में हाई और नॉर्मल, इस जगह में और इस जगह में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं प्रिंसेस कट में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इस जगह के बारे में मैं बता रहा था, जैसे कि ये है और ये है हमारा जैसे कि पैटर्न है, और इस पैटर्न को ये देखिए जैसे कि हम लोग इस जगह में जो शॉटिंग करते हैं ना फ्रेंड, तो इस तरह करते हैं इस जगह में। तो क्या है, ये हमारा नॉर्मल बस्ट का जो जगह है और ये हमारा हाई बस्ट का जगह है, और बीच में फ्रेंड इस जगह के बारे में मैं बता रहा था। इस जगह में अगर किसी को अगर पता चल जाए इसका मेजरमेंट ये होता है, ये इतना चाहिए, इतना चाहिए या मतलब है क्या करना है, कितना मेजरमेंट में लाना है, तो आप लोग बहुत आसानी से ये इस जगह का मेजरमेंट आप लोग ठीक कर सकते हो। मानिए इस जगह में हम लोग जब शॉटिंग करते हैं इसका मेजरमेंट किस जगह में आ रहा है देख लीजिएगा, तो इसका मतलब है इस जगह में। तो चलिए इस जगह में एक ड्रॉ लाइन दे दीजिए और इसी तरह करना है, और उसके बाद यहाँ से एक मेजरमेंट आप ले लीजिएगा और ये इसका मिडिल है, इसी तरह करना है, और उसके बाद ये देखिए 10.5 यानी कि 21 हमारा इस जगह में आएगा। और हम अगर बैक पार्ट में मेजरमेंट लेंगे तो बैक पार्ट में इस जगह का जो मेजरमेंट होगा तो लगभग इस तरह होगा, 10 होगा, तो 20 और उधर 20 यानी कि लगभग 41 तक होगा, ठीक है। मालूम है फ्रेंड 36 साइज में हमारा जो हाई बस्ट होता है वो 40 होता है और नॉर्मल बस 42 होता है, तो बीच में मैंने जैसे बोला जो इस जगह का गैपिंग लगभग 1 इंच नॉर्मल बस से कम होता है और हाई बस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मेल हो रहा है ना। तो ये मेजरमेंट अगर आपको सही लगे तो इसमें किसी भी जगह में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस से रिलेटेड वो बहुत आसानी से वो आप फिटिंग्स कर सकते हो। उसके बाद सेम तरीका है इस जगह का और इस जगह का, इसके नीचे जो गैपिंग होता है ना, और ऑब्वियसली बहुत सारा प्रिंसेस कट में अलग अलग टेक्निक होता है जो बहुत लोग इस तरह से ऐसे करते हैं, इसका मतलब है जो बास्ट वाला हिस्सा है वो लोअर बस्ट तक एकदम फिटेड होगा, और ये जो स्टाइल है ये थोड़ा सा ऊंचा टाइप रहेगा, ये अलग स्टाइल है, मगर आप लोगों को अगर करना है तो इसी तरह से भी कर सकते हो। जैसे इसी तरह शेप देकर करेंगे तो यहाँ से इसका जो मिडिल रहता है उसका भी एक मेजरमेंट होता है, जैसे आपको वो ही मेजरमेंट में लाना है तो आसान होता है। तो इस जगह में जितना है, इस जगह में कितना है, दोनों का मेजरमेंट लीजिए, वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रिंसेस कट में बताया, तो फ्रेंड ये प्लेन कट में होगा, एलिट कट में होगा, सभी में इस तरह का स्टाइल काम करेगा। तो चलिए वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, और बहुत लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं सिर्फ, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो उसके बाद जितना भी इसी तरह का वीडियो होगा आपका जो यूट्यूब चैनल है और आपका जो मोबाइल वगैरह है उसमें नोटिफिकेशन चला जाएगा, बहुत आसानी से आप देख पाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।